नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। आज के बच्चे भविष्य के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा, संस्कृति और संस्कार दिए जाने चाहिए। इनसे वंचित होकर बाल श्रम और बाल विवाह जैसे आपराधिक गतिविधियों को समाप्त किया जाना चाहिए। बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए संविधान सरकारों ने कई कानून बनाए और लागू किए हैं। इनके द्वारा अत्याचार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही गुविवि के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव सेदम ने कहा कि इसमें सबका सहयोग होना जरूरी है। अलंदा तालुका के कदगांची गांव में ये घटना शहर के उमर कॉलोनी में उस समय घटी है जब चोरों ने 500 रुपये के सिक्के चुरा लिए। इस संबंध में सैयद जहीरुद्दीन ने यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सैयद जहीरुद्दीन अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर में ताला लगाकर मुंबई चले गए थे। इस बार घर में चोरी हो गई। जब वो वापस आए तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है। 1.5 लाख रुपये नकद, 60,000 रुपये मूल्य के 20 ग्राम सोने के बिस्किट और 30,000 रुपये। महासभा के जिलाध्यक्ष शरण कुमार मोदी ने कहा कि अखिल भारतीय वीरशैव महासभा इकाई की ओर से 25 जून को हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए वीरशैव लिंगायत समुदाय के विधायकों और मंत्रियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। शहर के प्रेस हाउस में इस बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहर के सार्वजनिक उद्यान में वीरशैव कल्याण मंडप में बहुत ही भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि रेलवे बोर्ड ने उड़ीसा के बालासोर जिले में कई ट्रेनों की विनाशकारी टक्कर की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है। बोर्ड ने कहा है कि दुर्घटना के मुख्य कारण के रूप में संकेत हस्तक्षेप की पहचान की गई थी, जिसने 275 लोगों की जान ले ली है और 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि तोड़फोड़ से इनकार नहीं किया गया था। अब तक प्राप्त परिस्थितियों और प्रशासनिक सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया, उड़ीसा के बालासोर जिले में एक बहु ट्रेन टक्कर के 2 दिन बाद रिश्तेदारों ने अस्पतालों, दुर्घटना स्थल और अस्थायी मुर्दाघरों में ढेरों शवों के बीच अपने प्रियजनों के अवशेषों की खोज जारी रखे हुए है। रविवार को उड़ीसा सरकार ने मरने वालों की संख्या 275 बताई थी, जो शनिवार को घोषित 288 से कम थी, ये कहते हुए कि कुछ शवों की 2 बार गिनती हो गई थी। केंद्र सरकार ने मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए रविवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, लेकिन अपनी पहली बैठक की तारीख को 6 महीने के बाद नहीं, इसका मुख्यालय होगा। बालासोर में ट्रेन दुर्घटना के बाद फंसी वॉलीबॉल टीमों में शामिल कर्नाटक के 32 लोग रविवार को वापस लौटने में कामयाब रहे। राज्य सरकार की टीम उड़ीसा में तैनात की गई थी ताकि राज्य के लोगों की सुरक्षा की निगरानी की जा सके। सभी लोगों की बैंगलोर में सुरक्षित वापसी हो गई। लोक उत्सव में भाग लेने वाले लगभग 17 और लोगों के लिए भी टिकट बुक किए गए थे और उन्हें रविवार रात एक उड़ान में सवार होना था। जैसे ही 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल खुले, 600 से अधिक निजी स्कूल बिना अनुमति मांगे कक्षाओं में सेक्शन जोड़ने के लिए अवैध टैग का सामना कर रहे थे। सरकार ने इन सभी स्कूलों को नोटिस भेजा है और निजी स्कूल प्रबंधन ने इस कदम का विरोध किया है। उनका दावा है कि राज्य सरकार के 20 मार्च 2006 के एक आदेश के अनुसार निजी स्कूल प्रबंधन अतिरिक्त खंड खोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग DSEL के अधिकारियों ने इस पर रोक लगा दी है। होटेल्स एसोसिएशन ने 24/7 खुले रहने की अनुमति मांगी है। गृह मंत्री जी परमेश्वर को लिखे एक पत्र में बृहद बैंगलोर होटेल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में होटल, बेकरी और आइसक्रीम पार्लर्स को 24/7 खुला रखने की अनुमति दी जाए। दूध और समाचार पत्र बेचने वालों के लिए, फल फूल और सब्जियां बेचने वालों के लिए, बाजार आने जाने वालों के लिए, किसान और व्यापारियों के लिए, शिफ्ट में काम करने वालों के लिए होटल्स को खुला रखने की अनुमति दी जाए ताकि सभी को सहूलतें प्राप्त हो। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।